Wicketkeeper batsman Mohammad Rizwan played an incredible match, winning 78 runs knocked from 57 delivery with 6 fours, 1 sixes and 136.84 strike rate, and becomes the player of the match. And here is Mohammad Rizwan post-match presentation speech. Thank you. सबसे पहले तो ये बताएं कि आज गेम प्लान क्या था, क्योंकि जो पारी आपकी रही फखर जमान की भी, वो दो हिस्सों में बांट सकते हैं, पहले 10 ओवर और आखिरी के 10 ओवर। तो वो जो 10 ओवर में जो ड्रिंक्स ब्रेक था, क्या बातचीत हुई थी, गेम प्लान क्या था फिर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए जी, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, एसेस करना है कंडीशन को। ऑब्वियसली ये T20 फॉर्मेट है, मगर मेरे और कप्तान की हमेशा से हम टॉप ऑर्डर की एक ये कोशिश होती है कि हम फॉर्मेट को भूल जाए और इस कंडीशन को एसेस करें, क्योंकि अगर ऐसी पिचेस है, शॉट नहीं लग रहे थे, बॉल नीचे आ रहा था, तो एकदम फौरन हमने प्लान चेंज किया। हमने 4-5 ओवर तक ट्राई किए हैं, मतलब स्लॉग की, मगर एकदम हमने फिर अचानक 5-6 ओवर में ये प्लान किया कि सीधे बल्ले से जाएंगे और सीधे बल्ले के काम होना है। तो 10 ओवर तक यही प्लान था कि विकेट नहीं देने और कम से कम डॉट नहीं कर ले, तो ये प्लान था। उसके बाद फौरन ये आपको पता है कि कंडीशन देखते हुए सारी चीज हमारे हाथ में, अल्लाह पाक की कुदरत आ गई थी। तो फिर उसके बाद हमने चार्ज किया है तरीके से, वो भी तरीके से, क्योंकि ऐसे पिचेस पे सबको पता है कि लो रह रहा है और मुश्किल कंडीशन थी उस टाइम। पिछले 1.5 साल में आपने खूब रन बनाए, खूब मतलब सबसे ज्यादा रन आप ही ने बनाए इस फॉर्मेट में, तो जो सक्सेस है उसके पीछे की क्या है, क्यों रिजवान इतने सक्सेसफुल हैं? हमेशा बिलीव करता हूँ अल्लाह जल्ला जलालहू पे, क्योंकि अगर अपनी चीज़ों को देखूँ तो समटाइम इंसान अपनी चीज़ों में घुस जाता है, कभी प्रेशर आता है, कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो चीज़ सिर्फ बिलीव सिंपल रखा हुआ है कि हार्डवर्क पे, जो अल्लाह की डिमांड है हमसे, हार्डवर्क मांग रहा है, हार्डवर्क कर रहा हूँ, बाकी रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ रहा हूँ, तो अल्लाह जल्ला जलालहू ने ऐसा कुछ दे दिया जो मेरी सोच में भी नहीं था ये। चलिए अब ये बात करते हैं कि जो गेम प्लान में कितना हिस्सा ये भी होता है दिमाग में कि जो मिडिल ऑर्डर उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग, आप बाबर फखर जमान जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा ज्यादा लें, वो दिमाग में रहता है? ऑब्वियसली अगर आप टीम के मेन प्लेयर हैं तो आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, आपको प्रेशर आता है इन चीज़ों का कि यार डॉट बॉल है या T20 फॉर्मेट है, आपको इस चीज़ का प्रेशर आता ही आता है। मगर आप अपनी टीम को देखते हुए, अगर आप अपनी चीज़ों को देखते हैं कि यार मेरी टीम की, मेरी पाकिस्तान की डिमांड मुझसे क्या है, मैं उस तरह जाऊं, बाकी जो प्रेशर होगा वो तो वैसे ही होगा, और बाकी हमारा बिलीव इस चीज़ पे है कि अल्लाह से होता है, अल्लाह की जैसी चीज़ें नहीं होती, तो हमसे जो मेहनत की डिमांड है वो कर रहे हैं। अगर आप हांगकांग की टीम देखी जाए तो सबके सहने में ही आएगा, मगर इस तरह उन लोगों ने एफर्ट किया, अर्ली ऑन स्टेज में फंसाया रखा, मगर यही डिफरेंट होती है कि बड़ी टीम वो प्लानिंग करते हैं और एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसी का डिफरेंस था हमारे उनके दरमियान। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, वेरी वेल प्लेड और ऑल द बेस्ट फॉर द टूर्नामेंट और फ्यूचर भी। आई हैव वन रिक्वेस्ट फॉर पाकिस्तान से बाहर, और जहाँ भी जिस तरह पाकिस्तान में सैलाब जदगान के लिए जो एफर्ट है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस टाइम हम सब मिलके, पाकिस्तान से बाहर भी है, पाकिस्तान वाले भी है, सब मिलके हम इसकी मदद करें, और जो बाहर है कोशिश करें कि दुआएं करें कि अल्लाह पाक सारा हालात जो ठीक कर दे। थैंक यू भाई। थैंक यू।